लो एक्सरसाइज 8.3 मैट्रेसेस क्लास 10 ML अग्रवाल। इससे पहले हम लोगों ने 8.1 और 8.2 कर लिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 मल्टीप्लिकेशन बेस्ड ये एक्सरसाइज है, इसे करने वाले हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है। काफ़ी आसान ये एक्सरसाइज आपके पूरे सिलेबस में सबसे आसान एक्सरसाइजेस में से एक एक्सरसाइज है 8.3। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या गिवेन है, मैट्रेसेस ए गिवेन है, बी गिवेन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा। लेकिन इस पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या इज द प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल, क्या हम लोग ए और बी को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, यदि कर पाएंगे तो क्यों, और यदि कर पाए तो हाँ तो फिर ए बी का वैल्यू आपको निकालना है। एकदम सिंपल है। आप मुझे एक बात बताइए, रो ऑर्डर ये सब तो आप समझ ही गए हैं, 8.1 में हम लोगों ने इसके बारे में बहुत डिस्कस किया है। यहाँ जो मैट्रिक्स ए है आपका, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें देखिए कितने रो हैं, इसमें दो रो है R1 R2, दो रो है। कॉलम इसमें देखिए कितने हैं, दो कॉलम है। कॉलम इसको बोलते हैं ना, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। कितने रो है, एक दो, दो रो है। कॉलम कितने हैं, दो है। अच्छा मैट्रिक्स बी जो है इसका ऑर्डर देखिए क्या है, इसमें रो कितने हैं, दो है, रो कितने हैं, दो है, कॉलम कितने हैं, वन है, कॉलम कितने हैं, वन है। ये कभी भी आप एक दोनों का जब आप प्रोडक्ट चेक करने जाए कि प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा, कैसे पता चलेगा, उसके लिए आप इसका कॉलम, इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होना चाहिए। पहले वाले का कॉलम, दूसरे वाले का रो, यदि वो नंबर इक्वल है मतलब आप उसमें प्रोडक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे यस, यस। रीज़न क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स क्या है, बी, इन मैट्रिक्स बी। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। ये तो यस और क्यों ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्या है आपका 3 4 5 -2, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है आपको, 2 और 4 के साथ। इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ, सॉरी, इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो 2 3 से कितना 6 हो गया। अच्छा 2 4 से कितना 8 हो गया, ध्यान से समझिएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ हो गया, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, 4 5 20 विथ साइन 4 -2 -8 -8। अच्छा -8। आगे देखिए इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा आपको, 6 + 20 कितना 26, 8 - 8 0। बस यही है आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैट्रिसेस ए गिवेन है, बी गिवेन है, आपको फाइंड करना है ए बी। पहले आपको ए बी फाइंड करना है, एकदम सिंपल है। इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। इस क्वेश्चन को यदि आपने ठीक से समझ लिया तो पूरा एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी सिंपल हो जाएगा। क्या फाइंड करना है आपको, ए बी फाइंड करना है। इसको ध्यान दीजिएगा, ए बी, ए क्या है 2 1 5 3। अच्छा ये क्या है, ए है, इसका किसके साथ, बी के साथ। बी क्या है 1 -3 -1 2। अब इसका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से समझिए। यहाँ से स्टार्ट करिएगा, यहाँ से स्टार्ट करिएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, पूरे लाइन के साथ, पूरे लाइन के साथ। तो क्या लिखेंगे आप, 1 × 2 कितना 2। ध्यान से समझिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसके साथ, तो 1 × 2 2 हो गया, 1 × 1 1 आ गया। अच्छा इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसके साथ विथ साइन, विथ साइन,
तो माइनस थ्री इंटू फाइव कितना, माइनस फिफ्टीन। अच्छा माइनस थ्री इंटू थ्री कितना, माइनस नाइन। ये हो गया। अब थोड़ा गैप देना है बीच में, फिर वही काम अब इसके साथ करना है, माइनस वन का इसके साथ, इसके साथ। तो माइनस वन इंटू टू कितना, माइनस टू। माइनस वन इंटू वन, माइनस वन। अच्छा फिर इस टू का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसके साथ। टू फाइव ज़ा टेन, प्लस टेन, कोई साइन नहीं है तो प्लस आएगा। अच्छा फिर इसका इसके साथ, मतलब इसका आप इन दोनों के साथ कर रहे हैं, तो टू थ्री ज़ा कितना, सिक्स हो गया। ये सिक्स हो गया, बस हो गया। इसका खाली सिंप्लीफाई कर दीजिए, हो गया। टू माइनस फिफ्टीन कितना, माइनस थर्टीन। वन माइनस नाइन कितना, माइनस एट। माइनस टू प्लस टेन कितना, एट। माइनस वन प्लस सिक्स कितना, फाइव। देखिए इजीली आपने ए भी निकाल लिया। अब क्या करना है आपको, बी ए फाइंड करना है। बी ए तो यहाँ से देखिए बी क्या है, वन माइनस थ्री, माइनस वन टू, ये बी है। ए ए क्या है देखिए, टू वन फाइव थ्री, टू वन फाइव थ्री, ये बी ए है। इसका मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही करना है। कैसे करना है, इस टू के साथ करना है, इन दोनों को, इन दोनों को पहले करना है। अच्छा टू वन ज़ा कितना, टू हो गया। फिर इस टू का मल्टीप्लिकेशन माइनस थ्री के साथ कितना, माइनस सिक्स, ये हो गया। इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ, प्लस माइनस माइनस है। वन वन ज़ा वन है, वन इंटू टू टू है। अच्छा फिर फाइव का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ, थोड़ा स्पेस देके, फाइव वन ज़ा फाइव हो गया। फाइव इंटू माइनस थ्री, माइनस फिफ्टीन हो गया, माइनस फिफ्टीन हो गया। अब फिर इसके बाद क्या करना है, इस थ्री का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो माइनस थ्री, थ्री इंटू माइनस वन, माइनस थ्री। थ्री टू ज़ा कितना, सिक्स। देखिए कितना ईजीली हो जाएगा ये। आगे देखिए, टू माइनस वन, वन हो गया। माइनस सिक्स प्लस टू, माइनस फोर हो गया। फाइव माइनस थ्री, टू हो गया। माइनस फिफ्टीन प्लस सिक्स, माइनस फिफ्टीन प्लस सिक्स, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है। तो सिक्स और ये कितना रह गया, सिक्स सिक्स ट्वेल्व और थ्री नाइन, माइनस बड़ा है, माइनस नाइन। इससे आपने ये बी ए निकाला, ये क्या निकला आपका, बी ए। ये क्या निकला, ए बी निकला। फिर आपको बताना है क्या ये दोनों इक्वल है, ध्यान से देखिए, ए बी ये है, बी ए ये है, तो दोनों इक्वल नहीं है, नहीं है। तो आप लिखेंगे नो, और साथ में ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थ्री, ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। मैट्रिक्स ए बी और सी गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, ए बी माइनस फाइव सी, ए बी माइनस फाइव सी, ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसका सबट्रैक्ट करना है आपको 5c के साथ, एक साथ हम लोग करेंगे। काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है। तो आपको फाइंड करना है देखिए, ए बी माइनस फाइव सी, तो ए बी, ए मैट्रिक्स क्या है देखिए, थ्री टू सेवन फोर, ये ए है। इसका प्रोडक्ट लगाना है आपको बी के साथ, बी क्या है, ज़ीरो फाइव टू थ्री, ठीक है। तो ये ए बी हो गया। माइनस फाइव सी क्या है, ये माइनस फाइव सी, सी क्या है, वन माइनस फोर, माइनस फाइव सिक्स। ये क्वेश्चन आपने फ्रेम कर दिया, एकदम आसान, आगे एकदम आसान है, एकदम आसान। अच्छा अब इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, क्या सिखाया मैंने आपको, इसके साथ स्टार्ट करेंगे, इसके साथ। हर बार वे सर्कल करना ज़रूरी नहीं है, इससे अनटाइडी हो जाता है। ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो दोनों ही ज़ीरो हो गया। अच्छा फाइव का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, तो फाइव सेवन ज़ा कितना, थर्टी फाइव। अच्छा फाइव फोर ज़ा कितना, ट्वेंटी। तो इन दोनों से कंप्लीट हो गया। फिर वही रिपीट करना है, टू से इन दोनों का, टू से मल्टीप्लाई इन दोनों का, तो थ्री टू ज़ा कितना, सिक्स हो गया। फिर टू टू ज़ा कितना हो गया, फोर हो गया। मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन आपने इन दोनों से कर दिया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, सेवन थ्री ज़ा कितना, ट्वेंटी वन। थ्री फोर ज़ा कितना, ट्वेल्व। देखिए कितना ईजीली ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। फिर ये माइनस, माइनस तो उधर के लिए भूल जाइए। फाइव से इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, फाइव से, फाइव से, फाइव वन ज़ा फाइव, माइनस फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, माइनस ट्वेंटी, और सिक्स फाइव ज़ा थर्टी। अच्छा
आगे फर्दर इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, 0 प्लस 35 क्या है 35, 0 प्लस 20 हो गया, 21 प्लस 6 कितना 27, 12 प्लस 4 कितना 16, एकदम ठीक है। माइनस करना है इसका किसके साथ, 5 है, माइनस 20, माइनस 25 और ये 30, एकदम सिंपल। अब इन दोनों का सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 35 माइनस 5, 35 माइनस 5 क्या मिलेगा 30, अच्छा 20 माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 20 प्लस 20 कितना 40, अच्छा 27 माइनस और माइनस प्लस हो गया, 27 प्लस 25 कितना हो गया 52 हो गया, 52 हो गया, अच्छा 16 माइनस 30, 16 माइनस 30 माइनस बड़ा है कितना 14 हो गया, 16 माइनस 30 प्लस माइनस माइनस हो गया, 30 माइनस 16 कितना होता है 14 होता है, साइन किसका बड़ा था माइनस का। इस तरह से देखिए आपने ये वैल्यू निकाल लिया, बस यही तो आपको फाइंड करना था, हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मैट्रिसेस ए गिवन है, बी गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, ए इंटू बी ए। तो हम लोग ये काम करते हैं, पहले बी ए को फाइंड कर लेते हैं, पहले बी ए फाइंड कर लेते हैं, आई एकदम आसान है, एकदम आसान। बी ए, बी ए मतलब बी का, देखिए बी मैट्रिक्स क्या था आपका 2 1 1 2, ठीक है, ए क्या है 1 2 2 1, ये है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, एकदम सिंपल, इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, ध्यान रखिए इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, तो 1 into 2 कितना हो गया 2 हो गया, 1 into 1 1 आ गया, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ, तो 2 1 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, अच्छा ये दोनों कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, तो 2 2 4 और ये 2 1 2 हो गया, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, 1 1 1 होगा प्लस 1 into 2 2 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, देखिए क्या मिलेगा, 2 plus 2 4 हो गया, 1 plus 4 5 हो गया, 4 plus 1 5 हो गया, 2 plus 2 4 हो गया, मतलब आपको ए बी ए का वैल्यू मिल गया। लेकिन आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था ए इंटू बी ए, ये फाइंड करना था। तो ए का वैल्यू क्या है, देखिए 1 2 2 1 1 2 2 1, ये ए है, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है आपको, बी ए के साथ, बी ए क्या है 4 5 5 4 4 5 5 4, इसके साथ आपको इसका मल्टीप्लीकेशन करना था। आगे क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, बस हो गया और क्या। तो इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, तो 4 1 4 4 2 8 हो गया, 5 का इन दोनों के साथ, 5 2 10 5 1 5, अच्छा फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, 5 1 5 5 2 10, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, 4 2 8 4 1 4, अच्छा आगे देखिए 4 plus 10 कितना 14, 8 plus 5 कितना 13, अच्छा 5 plus 8 कितना 13, ये कितना 14, बस हो गया इतना ही करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ देखिए मैट्रिसेस गिवन है ए बी सी, आपको फाइंड क्या करना है, ए बी सी मतलब ए इंटू बी इंटू सी, ये फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट में आपको ए इंटू सी इंटू बी फाइंड करना है और फिर बताना है कि क्या दोनों मैट्रिसेस इक्वल है या नहीं है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। आइए इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये पहला पार्ट क्या है, ए बी सी, ए बी सी मैट्रिसेस ए क्या है 2 4 1 2, ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन बी के साथ क्या है 3 minus 1 4 minus 2, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन सी के साथ क्या है -3 0 1 minus 2, ये एकदम सिंपल है, आप ध्यान दीजिएगा अभी समझ जाइएगा। पहला स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, तो 3 2 कितना 6 हो गया,
थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, ये आ गया। इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, तो ये माइनस वन प्लस माइनस माइनस टू वन ज़ा टू, ठीक है, इन दोनों का हो गया। अब फोर का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, तो फोर टू ज़ा एट हो गया, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, ठीक है। अब ये माइनस टू का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ, मतलब माइनस टू इंटू वन माइनस टू, माइनस टू इंटू टू माइनस फोर, माइनस फोर, अच्छा इसे एज इट इज़ कॉपी कर देंगे हम लोग, तो ये माइनस थ्री ज़ीरो वन माइनस टू, ठीक है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, देखिए सिक्स माइनस वन कितना है, फाइव है, ट्वेल्व माइनस टू कितना है, टेन है, अच्छा एट माइनस टू कितना है, सिक्स है, सिक्सटीन माइनस फोर कितना है, ट्वेल्व है, अच्छा दूसरे ब्रैकेट में देखिए क्या है, माइनस थ्री ज़ीरो वन और ये माइनस टू, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है आपको, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखिए स्टेप्स वही है, माइनस थ्री के साथ इन दोनों का, माइनस थ्री इंटू फाइव माइनस फिफ्टीन, अच्छा माइनस थ्री इंटू टेन माइनस थर्टी, ज़ीरो का इन दोनों के साथ तो ज़ीरो ही आएगा, ज़ीरो का किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आता है, फिर वन का इन दोनों के साथ तो फाइव वन ज़ा फाइव हो गया और टेन वन ज़ा टेन हो गया, माइनस टू का इन दोनों के साथ तो ये माइनस ट्वेल्व और माइनस ट्वेंटी फोर, ये माइनस ट्वेंटी फोर, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, माइनस फिफ्टीन यहाँ से माइनस थर्टी, फाइव माइनस ट्वेल्व माइनस सेवन, टेन माइनस ट्वेंटी फोर माइनस फोर्टीन, माइनस फोर्टीन, तो ये जो वैल्यू आपको मिला ये क्या मिला, ए बी सी का वैल्यू मिला, पहला पार्ट ए बी सी इसका वैल्यू ये मिल गया आपको। अब क्या फाइंड करेंगे हम लोग, ए सी बी, ए सी बी, तो ये ए, ए क्या है देखिए, टू फोर वन टू, टू फोर वन टू, ए सी देखिए क्या है, माइनस थ्री ज़ीरो वन माइनस टू, ये ए सी, फिर क्या है बी, ये बी है, बी का वैल्यू क्या है देखिए, थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन, फोर माइनस टू, ये देखिए अरेंज तो आपने कर दिया ए सी बी। अब करना क्या है, इसका भी वही मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दोनों को पहले सॉल्व करना है आपको, तो माइनस थ्री से इन दोनों का मल्टीप्लाई, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, आइए माइनस थ्री से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या मिलेगा, माइनस सिक्स, माइनस थ्री इंटू फोर माइनस ट्वेल्व, अच्छा ज़ीरो से इन दोनों का तो ज़ीरो ही आएगा, ज़ीरो ही आएगा, अच्छा वन से इन दोनों का तो टू वन ज़ा टू, फोर वन ज़ा फोर, माइनस टू से इन दोनों का तो ये माइनस टू और ये माइनस टू इंटू टू फोर हो गया, अच्छा ये कर दिया आपने, फिर इसे एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए, थ्री है ये माइनस वन, ये फोर और ये माइनस टू, ठीक है। माइनस सिक्स प्लस ज़ीरो क्या मिलेगा, माइनस सिक्स, यहाँ से ये माइनस ट्वेल्व, टू माइनस टू ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, अच्छा अब इसका मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, थ्री माइनस वन फोर और माइनस टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, थ्री से इन दोनों को, थ्री से इन दोनों को तो माइनस एटीन और ये माइनस थर्टी सिक्स, अच्छा माइनस वन से इन दोनों का ज़ीरो है तो ज़ीरो ही रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा, ज़ीरो पे प्लस माइनस कोई मैटर नहीं करता है। फोर से इन दोनों का, फोर से इन दोनों का तो ये माइनस ट्वेंटी फोर और ये माइनस फोर्टी एट, अच्छा माइनस टू से दोनों का तो ये ज़ीरो ही रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा, अच्छा तो ये माइनस एटीन, यहाँ से ये माइनस एटीन और ये क्या है माइनस थर्टी सिक्स, माइनस ट्वेंटी फोर माइनस ज़ीरो मतलब माइनस ट्वेंटी फोर, अच्छा ये माइनस फोर्टी एट। इस तरह से ये जो वैल्यू आपको मिला, ये वैल्यू मिला आपको ए सी बी का, ए सी बी का। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि वेदर दे आर इक्वल, क्या आप देखिए क्या ये दोनों इक्वल है, तो जी नहीं ये इक्वल नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे ए बी सी इज़ नॉट इक्वल्स टू ए सी बी, इज़ नॉट इक्वल्स टू ए सी बी, बस हो गया ख़त्म। चलिए कॉपी कर लीजिए इसे।